नमस्कार, मैं दीपशिखा आप सभी का जीवन को सरलता, सफलता और सार्थकता का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस विशेष कार्यक्रम दाती दिव्य धारा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, किसी व्यक्ति के जीवन और दायित्व का बोध कराना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसी प्रक्रिया को संस्कार कहा जाता है। जीवन के दायित्व का बोध हमें जन्म लेने के बाद से ही परिजनों से प्राप्त होने लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दायित्व बोध को मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्यों बताया गया है। तो चलिए जानते हैं सदगुरु श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के श्रीमुख से। सदगुरु तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूजे और अनठो। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया तो अनंत दिखावनहार। ऐसा लग रहा था कि एक धारा के साथ बहता जा रहा, क्योंकि जो शब्द थे वो मेरे जीवन के आसपास थे कि दायित्व बोध मनुष्य का परम लक्ष्य क्यों बताया गया। और दायित्व बोध में संवेदनशीलता साधु को कैसे प्राप्त होती है। संपूर्ण जीवन गुरु आज्ञाओं में बिताए मेरे साथी, और उनकी कृपा रही है कि जीवन को बड़ी नजदीक से मैंने अपने जीवन को देखा है। हमारा यह जीवन और हमारे जीवन का प्रारंभिक चरण तरह तरह की भावनाओं की अटकेलियों से गुजरता है, लेकिन जो ही कुछ समय बीतता है, जो ही थोड़ा सा समय बीतता है, दायित्व बोध की संवेदनशीलता हमें भावुकता की लहरों में बहने से रोक लेती है। जो दायित्व की बोध की संवेदनशीलता है हमें भावुकता की लहरों की में बहने से रोक लेती है और यथार्थ के धरातल पर अपने पांव टिकाकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए विवश कर देती है। तथ्य यह है कि किसी को भी सभी प्रकार की क्षमताएं जन्म से नहीं मिलती भाई। जब हम पैदा हुए थे तो सब कुछ हमें जन्म से नहीं प्राप्त हुआ, उन्हें खुद के प्रयास से अर्जित भी करना पड़ता है। और यह जितना सत्य भौतिक दुनिया के मामले में है उतना ही आध्यात्मिक दुनिया के मामले में है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि यह नाम, यह पद, यह प्रतिष्ठा, यह शौहरत, आवश्यक नहीं है कि सबको जन्म से प्राप्त हो जाए। अपने अपने ढंग से सभी लोगों ने उन्हें अर्जित की है और अर्जित करना पड़ता है। और व्यक्तिगत जीवन में आप अपने जीवन की प्रति स्वयं संवेदनशील होकर देखिएगा, आपको यह महसूस होगा कि सब कुछ नहीं मिलता है। पाने के लिए आपने भी मेहनत करी और मैंने भी मेहनत करी है। ऐसे ही आध्यात्मिक संसार में एक तत्व है संवेदनशीलता, जिसे परम गति के मार्ग पर, परम मार्ग पर, परमानंद के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, भीतर की पगडंडियों के मार्ग पर, भीतर के आनंद के लिए, हृदय की संतुष्टि के लिए अपनी साधना द्वारा साधकों को प्राप्त करना पड़ता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। परिपूर्ण समर्पण के बिना
साधकों को साधना में संवेदनशीलता प्राप्त नहीं होती, इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम। मनमाने तरीके से, अपनी सुविधा अनुसार, अपने अहंकार की संतुष्टि। पहली बार ऐसा व्यक्ति साधना के मार्ग में जा ही नहीं सकता, तो फिर संवेदनशीलता उसे कहां महसूस होगी? संवेदनशीलता समझना होगा। ऐसे ही घर गृहस्थी और परिवार और सामाजिक मामले में इसका बहुत बड़ा महत्व है। हर मनुष्य के भीतर में संवेदनशीलता एक संभावना की तरह सोई पड़ी रहती है। कर्मयोगी मनुष्य को संवेदना और भावुकता का ध्यान रखेगा, कर्मयोगी मनुष्य को संवेदना और भावुकता का अंतर समझ में लेना चाहिए, ऐसा माना जाता है। भावुकता और संवेदना का अंतर समझ लेना चाहिए, क्योंकि भावुकता मस्तिष्क से संचालित होती है और संवेदनशीलता हृदय से संचालित होती है। भावुक रहना एक साधारण व्यवहार है, परंतु संवेदनशील रहना एक असाधारण आचरण है जिसे अर्जित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण, माधव के जीवन में अनेकों ऐसे अवसर आए जब उन्होंने भावुकता और संवेदनशीलता के आदर्शों को पृथक पृथक स्थापित कर दिया और किया। कभी कभी दूसरे का दुख हमें दुख पे हम दुखी हो जाते हैं, पर ये भावुकता है। जब किसी को दुखी देखते हम दुखी हो जाते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर हम दुखी हो जाते हैं, यह भावुकता है। लेकिन जब हम उस दुख को गहराई से महसूस करके उस दुख को गहराई से महसूस करेंगे और महसूस करके उसकी निदान में जुड़ जाते हैं, उस दुख के निवारण में जुड़ जाते हैं, तब संवेदनशीलता का आरंभ होता है। भावुकता एक प्रतिक्रिया सी बन जाती है दोस्तों, भावुकता एक प्रतिक्रिया सी बन जाती है, लेकिन संवेदनशीलता दायित्व बोध होता है, संवेदनशीलता दायित्व का बोध कराती है। सदगुरु शरणागत रहते हुए शास्त्रों के आसपास रहा हूं और अध्ययन भी किया हूं, लेकिन जिस जीवन में एक नया श्रृंगार, नया आनंद आया, मैं उन चीजों को पकड़ने की बहुत कोशिश करी। यहां भी मैं एक बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, माधव की, वासुदेव श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने जब वृंदावन छोड़ा था, पहली बार मथुरा जा रहे थे, सारा वातावरण भावुक था। कहने वाले बहुत सी बातें कहते हैं, हमें माधव को समझना चाहिए, बड़ी छोटी उम्र थी माधव की, और उस छोटी सी उम्र में भावुकता में बहने से बचते हुए दायित्व की बोध की संवेदनशीलता को महसूस कर विश्व कल्याण के दायित्व बोध की गरिमा को संभाल रहे थे। बड़ी छोटी उम्र थी, गोपियां रो रही है, माँ जसोदा रो रही है, सारे लोग रो रहे हैं। जिन जिन से उनको लगाव था वो सारे बिलख रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, लेकिन माधव उस भावुकता से बचते हुए दायित्व बोध की संवेदनशीलता को महसूस कर विश्व कल्याण के दायित्व बोध की गरिमा को संभाल लेते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई महापुरुष ही कर सकता है। माधव को ये बहुत अच्छी तरह पता था, वे अच्छी तरह जानते थे कि ब्रिज को छोड़ मथुरा जाने का अर्थ ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे व्यापक जनहित छुपा था, जो मात्र बृहत
ब्रिजहित और ब्रिज प्रेम से विशाल था। हर कोई इसको नहीं कर सकता भाई। कोई महापुरुष ही, और हर वो मनुष्य महापुरुष है जो सदगुरु की शरणागत रहते हुए गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अपने श्वासों की बोध के साथ रहता है। तो ये बात उसे स्वतः ही समझ में आ जाएगी, स्वतः ही समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरे विषय के आसपास रहेंगे, और मैं खाली कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ दे जाऊँ जो मेरे अनुभव में है। संभव है शब्द आपको समझ में नहीं आए, लेकिन ये शब्द आपकी जीवन की दिशा बदल सकते हैं यदि थोड़ा सा गहराई से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज और श्री शनिधाम ट्रस्ट, ये वे दो नाम हैं जिन्हें संपूर्ण भारतवर्ष में मानव कल्याण हेतु जाना जाता है। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा धर्म, संस्कृति, आस्था एवं ज्ञान के माध्यम से समाज को सबल और मानव जीवन को सफल बना रहा है। श्री शनिधाम ट्रस्ट, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, श्री शनिधाम ट्रस्ट अमीर गरीब, जात पात, छूत अछूत एवं ऊंच नीच की खाई को पाटने तथा समाज में समानता एवं सद्भावना का संदेश देने का कार्य कर रहा है। श्री शनिधाम ट्रस्ट देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण रखने, आपसी प्रेम एवं भाईचारा बढ़ाने, समाज के हर वर्ग एवं समुदाय को एक सूत्र में पिरोने तथा जन जन को राष्ट्रभक्त, सेवाभावी, चरित्रशील एवं सर्वगुण संपन्न बनाने के कार्य में जुटा हुआ है। ट्रस्ट हिंसा रहित वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित होकर मानवता के उद्धार एवं मानव जाति के कल्याणार्थ कार्य कर रहा है। शनि चरणानुरागी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज की प्रेरणा से श्री शनिधाम ट्रस्ट धर्म, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति, साधना एवं सेवा, सत्संग, योग, ध्यान, ज्ञान के माध्यम से समाज को सबल एवं मानव जीवन को सफल बना रहा है। दरअसल श्री शनिधाम ट्रस्ट एक शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं मानवतावादी स्वयंसेवी संस्था है जो अपनी सेवा भावना के लिए देश भर में जाना और पहचाना जाता है। ट्रस्ट देश के हर उस क्षेत्र में समाज के हर उस व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है जो विकास की दौड़ में पिछड़े हुए हैं। ट्रस्ट का उद्देश्य देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत रूप से सबल बनाना है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। राष्ट्र की उन्नति में बच्चों की शिक्षा का अहम योगदान होता है। अतः परमहंस दाती महाराज एक पिता के रूप में सैकड़ों बच्चों का भविष्य सवार रहे हैं। गरीब एवं असहाय बालक बालिकाओं को संपन्न तबके के समान शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास का अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 1999 में राजस्थान के गांव आलावास में गुरुकुल आश्वासन बाल ग्राम की नींव रखी गई। यहाँ कंप्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे नवीनतम जानकारी प्राप्त कर वैदिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण कर सर्वगुण संपन्न एवं महान इंसान बनकर राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान दे सकें। ट्रस्ट द्वारा होनहार छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। ट्रस्ट द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को लैपटॉप भी दिए जाते हैं। राजस्थान के जिला पाली में श्री शनिधाम ट्रस्ट, जिला प्रशासन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दाती मातृत्व बीमा योजना का संचालन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रसव से पूर्व अथवा प्रसव के उपरांत महिलाओं की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। श्री शनिधाम ट्रस्ट द्वारा
पाली जिला प्रशासन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दाती संकट मोचन योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की जान बचाने में सहयोग करने वालों को ट्रस्ट द्वारा 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण गर्भावस्था में जान बचाने में सहयोग करने वाला व्यक्ति उस महिला का संकट मोचन बन जाता है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर, आई कैंप एवं योग शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज ने मानव कल्याण हेतु सैकड़ों पुस्तकों की रचना की है। इन्हीं में से एक आरोग्यकारी शारीरिक प्रक्रियाएं नाम की पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इस पुस्तक में अनेकों प्रायोगिक शारीरिक क्रियाओं का सचित्र वर्णन किया गया है, जिन्हें रोजाना करने से शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्ञान, भक्ति और कर्म योग की आध्यात्मिक साधना का आलोक जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध शनि चरणानुरागी संत श्रोमणी दाती महाराज संयमित आहार विहार करने वाले लोगों की विशेष प्रशंसा करते हैं। उन्हें नियमित योगासन वे प्राणायाम आदि की सहायता से आरोग्य लाभ करने की भी सलाह देते हैं। अपने साहित्य संग्रह में से एक आसन आरोग्यता का अनुपम साधन पुस्तक में सरल आसनों को आरोग्य लाभ के लिए विशेष उपयोगी बताया है। इस पुस्तक में जहां उन्होंने बैठकर किए जाने वाले करीब 29 आसन बताए हैं, जिसमें सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन विशेष है। खड़े होकर किए जाने वाले आसन के 4 आसन बताए हैं, जैसे ताड़ासन, उत्थित चक्र आसन, लेटकर किए जाने वाले आसनों के अंतर्गत 22 आसनों को चित्र सहित विस्तार पूर्वक बताया है। उल्टा होकर किए जाने वाले आसन जैसे वृक्षासन, शीर्षासन, उद्धव संयुक्त पादासन व उद्धव पद्मासन को बताया है और सूर्य नमस्कार के बारे में भी विस्तार से विवरण दिया है। दर्शकों, मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। काल चक्र के साथ यहाँ ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जो अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल भी होता है। अतः उनके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं के समाधान हेतु परम पूज्य परमहंस दाती जी महाराज न केवल उनकी जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं, बल्कि उसका सटीक विश्लेषण कर मार्गदर्शन भी करते हैं। जीवन का चक्र अनोखा है, जिसमें हमें सुखों के साथ साथ को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क करें 9910692003, 9958794885, हमारी वेबसाइट www.com।
तो दाती दिव्य धारा के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट करेंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।